नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। आजकल भीषण गर्मी में पानी की अहमियत से हर कोई वाकिफ हो गया है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। लेकिन जो लोग एक दो दशक से पहले पैदा हुए होंगे, उन्हें याद होगा कि गर्मी के समय हर चौराहे और बाजार में प्याऊ की व्यवस्था होती थी। लोग पानी पिलाते थे, निगम की तरफ से भी प्याऊ लगाए जाते थे, लेकिन अब ना जाने कहां ये प्याऊ गायब हो गए। अब प्यास पानी की बोतल पर निर्भर है। देखिए खास पेशकश, बिकता पानी खत्म एक कहानी। आधा जून बीत चुका है और धरती सूरज के ताप से जल रही है। गर्म हवाओं ने लोगों की प्यास को और बढ़ा दिया है। ऐसी गर्मी में घर से बाहर निकलने पर इंसान सिर पर कोई छांव ढूंढता है और गले को तर करने के लिए उसकी नजरें पानी को तलाशती हैं। पहले का जमाना कुछ और था, जब बाहर प्याऊ दिख जाया करते थे। कहीं नगर निगम की तरफ से व्यवस्था होती थी तो कहीं कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं पीने का पानी लोगों को उपलब्ध कराती थी। हर नुक्कड़ या चौराहे पर कोई न कोई इंतजाम जरूर दिख जाता था, लेकिन अब न जाने कहां ये प्याऊ गुम हो गए हैं। न तो फूस की झोपड़ी में से कोई पानी पिलाता है और न ही कहीं छांव में मटकों में रखा पानी राहगीरों को मिल पाता है। जेठ के मंगलवार को तो लोग छबीले लगाकर पानी पिलाते हैं, लेकिन गर्मी और प्यास तो सोमवार मंगलवार देखकर नहीं आती। प्रशासन को समय से जो इंतजाम करने चाहिए वो नजर नहीं आते। लेकिन इस भीषण गर्मी में अगर हम आपको रिपोर्ट की शुरुआत में ही प्यासा रखें तो आपके साथ ज्यादती होगी। लिहाजा आपको लिए चलते हैं NCR, जो इन दोनों तप रहा है। नोएडा में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं। सोमवार को गर्मी ने पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। यह नज़ारा RTO ऑफिस का है, जहां हर रोज काफी संख्या में लोग अपने काम कराने आते हैं। गर्मी में हलकान लोगों को यहां रखा मटके का पानी मिलता है तो उनकी जान में जान आती है। ये व्यवस्था RTO ऑफिस की तरफ से कराई गई है। दिल्ली NCR में तापमान लगातार बढ़ रहा है। कल की बात की जाए तो कल नोएडा में गर्मी ने पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। तापमान 40 डिग्री तक रहा और इसी तरीके के हालात दिल्ली में भी लगातार बने हुए हैं। सरकारी दफ्तरों की हम रियलिटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी दफ्तरों में जो आने वाले लोग हैं उनको पानी पीने के लिए या छाया की किस तरीके की व्यवस्था की गई है। RTO ऑफिस में मौजूद है। यहां पर जो प्याऊ लगाया गया था वो प्याऊ तो हालांकि खराब पड़ा हुआ है पिछले काफी दिनों से, लेकिन अब यहां पर कुछ मटके और जो मयूर जग है पानी के वो यहां पर रख दिए गए ताकि RTO ऑफिस में आने वाले जो लोग हैं वो गर्मी से बचने के लिए टीन सेट के नीचे खड़े हो सकें और अपनी प्यास बुझाने के लिए इन मटकों में यहां पर पानी पी सकें। इस तरीके की वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो यहां पर की गई है। हालांकि आज भी जो तापमान है वो काफी ज्यादा रहने का अनुमान जताया गया है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, कैसे बच रहे हैं? भाई कहीं भी पानी मिल जाता पहले पानी पीते हैं, कहीं गिर ना जाए चक्कर। RTO ऑफिस में आए थे, पानी ढूंढने में दिक्कत हुई। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप भी काम करते हो यहाँ, कैसे बचा रहे हो? बस पानी पी रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है। कब से पानी की व्यवस्था हुई, कितने दिन? 2 महीने, 2-2.5 महीने। तो ये व्यवस्था किसकी तरफ से कराई गई? ऑफिस की तरफ से हुई। खाली कर्मचारियों के लिए, सब लोग, आम जनता के लिए, सबके लिए। अब दिखाते हैं आपको नोएडा पुलिस थानों और चौकी की तस्वीरें। वैसे तो पुलिस थाने आते ही अच्छे अच्छों के हलक सूख जाते हैं। खाकी वर्दी वाले लोगों को बेरहम नजर आते हैं, लेकिन यहाँ खाकी वर्दी वाले गर्मी में आपकी प्यास बुझाने के लिए पानी का इंतजाम किए बैठे हैं। पानी से भरे मटके रखे हुए हैं जिसे पुलिस वाले भरते रहते हैं। पुलिस अक्सर सख्त तो दिखती है, लेकिन उनकी ये तस्वीर बताती है कि पुलिस थानों में भी पानी बचा है और उनकी आंखों में भी। अब आपको लिए चलते हैं NCR के दूसरे बड़े शहर गाजियाबाद में, जहां तापमान 45 डिग्री के पास चहलकदमी कर रहा है। ये तस्वीर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर की है। इस स्टेशन से रोजाना कई हजार यात्री सफर करते हैं। एक दशक पहले तक यहां आपको प्याऊ देखने को मिल जाया करते थे, लेकिन अब तो प्याऊ का नामो निशान तक नहीं दिखता। न्यूज स्टेट ने मौके पर जाना प्याऊ का हाल और वहां के लोगों से की प्याऊ के बारे में पूछताछ। गाजियाबाद सहित दिल्ली NCR में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में सबसे ज्यादा अगर कोई राहत देता है तो वो है ठंडा पानी। जी हाँ, हर साल जब भीषण गर्मी पड़ती है तो सरकार की तरफ से एक बजट भी अलॉट किया जाता है, जगह जगह प्याऊ लगाए जाएं। लेकिन इस बार क्या हालात हैं प्याऊ को लेकर, ग्राउंड जीरो से उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर।
जहां हर बार गर्मियों में प्याऊ लगता था, लेकिन अब वो तस्वीर नजर नहीं आती है। यहां जो लोग हैं उनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग हैं बाहर से यहां आते हैं, और ऐसे में उनको गर्मी के अंदर अगर राहत दे सकती है या मिल सकती है वो है पानी से। क्या नाम है भाई आपका? उमेश यादव। यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? सोनभद्र जिला। सोनभद्र कहाँ खड़े हैं अभी? गाजियाबाद। यहाँ कहीं प्याऊ दिख रहा है आपको लगा हुआ, जहाँ पानी पी सके ठंडा? नहीं, इधर तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं। तो पानी की कितनी जरूरत होती है गर्मी में? अरे पानी तो बहुत जरूरत है गर्मी में, पीने के लिए नहीं पानी मिलेगा तो कोई मर जाएगा पानी पीने के लिए। तो आप बताइए, प्याऊ की व्यवस्था है या नहीं है ठंडे पानी की रेलवे स्टेशन के पास? बाहर में, यहाँ पे नहीं है स्टेशन। नहीं है कोई? इसके अंदर है पानी, ये जो टिकट कर इसके अंदर। यहाँ वैसे बाहर नहीं, पब्लिक के लिए नहीं कोई व्यवस्था कर रखी है? होती थी हर साल? नहीं, यहाँ बाहर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, होनी चाहिए वैसे, पब्लिक गर्मी की वजह से परेशान रहती है। ये पानी, हाँ होना चाहिए पानी। आप सब कैसे पीते हैं पानी, कहाँ से लाते हैं भर भर के? रास्ते में चलते चलते कहीं जहाँ देखते हैं टोटी लगा भर लेते हैं। ये है गाजियाबाद का पुराना बस अड्डा जो हमेशा व्यस्त रहा करता है, जहाँ लिखा आई लव गाजियाबाद का ये बोर्ड बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें गाजियाबाद से बेहद प्यार है। उस गाजियाबाद से जहाँ जून की गर्मी में हमारे पीने के लिए पानी तक का इंतजाम नहीं है, भला आप ही बताइए, ऐसे गाजियाबाद से भला कोई कैसे प्यार करे जिसे हमारी प्यास की परवाह तक नहीं। तभी तो इंसानों की इस बस्ती में पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। अब हम आ पहुँचे हैं गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड के बाहर, जो गोल चक्कर है वहाँ पर। आपको बता दें, यहाँ पर अमूमन प्याऊ की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि यहाँ पर फुट फॉलोइंग ज्यादा है, और जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो नगर निगम की तरफ से प्याऊ की व्यवस्था लोगों के लिए की जाती रही है, ताकि लोग यहाँ पर ठंडा पानी पी सकें। लेकिन अब वो तस्वीरें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्याऊ ही नहीं है। मैं चाहूंगा विजय से कैमरे को पैन करके आपको तस्वीरें दिखाएं। ये जो कोना आप देख रहे हैं जहाँ पर ये भाई मौजूद है, यहीं पर अमूमन प्याऊ की व्यवस्था की जाती रही है, लेकिन अब यहाँ पर प्याऊ नहीं है, ना ठंडा पानी है। जो शख्स यहाँ मौजूद है उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। मुकेश जी, प्याऊ की व्यवस्था दिख रही है आपको यहीं? कहाँ? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। होती है हर साल? पहले हुआ करती थी, कभी अब नहीं होती है। कितने साल पहले? 5 साल पहले, 10 साल पहले मान लो, तब तो मिल जाते थे पानी, कहीं ना कहीं लगे हुए प्याऊ, अब कहीं कोई प्याऊ नहीं। प्याऊ को तलाशते हुए न्यूज स्टेट की टीम पहुंची मोहब्बत की नगरी आगरा में, जहां तापमान 47 डिग्री के पार है। कमोबेश यमुना किनारे बसे इस शहर में भी प्याऊ नदारद मिला और प्यास हर किसी को बेचैन किए हुए दिखी। ताजनगरी आगरा में तापमान 46-47 डिग्री के पार पहुंच चुका है, और ऐसे में अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं प्रशासन की फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि पारा चाहे रात हो या दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एसी कूलर भी काम नहीं करते हैं, ऐसे में लोग घरों से अगर किसी काम से निकलते भी हैं तो वो बहुत परेशान इस गर्मी से नजर आ रहे हैं। आपको चौराहे की तस्वीर दिखा देता हूं, मैं इस समय हरिभवन चौराहे पर मौजूद हूं, और अक्सर कर ऐसा दिखाई देता था कि प्रशासन या नगर निगम या समाज सेवी हर बार बड़े बड़े चौराहों पर, बड़े बड़े बाजारों पर, बड़े बड़े बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर तमाम प्याऊ लगवाते थे, ताकि जो लोग यात्री घर से बाहर निकले हैं अगर उन्हें गर्मी से परेशान हो रहे हैं, टेम्परेचर से उनका शरीर झुलस रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्यास उस प्याऊ से बुझा लेते थे। लेकिन इस बार देखा जा रहा था कहीं पर भी किसी चौराहे पर कोई प्याऊ नहीं लगाई गई है। कुछ लोग इनसे एक बार बात कर लेते हैं, कुछ लोगों से बात। मैडम ये बताइए, सुबह गर्मी का आलम क्या है? सर गर्मी का आलम तो बहुत ज्यादा है, और इंसान सुबह का निकलता है कब घर वापस जाता है कुछ नहीं पता रहता, और गर्मी इतनी है कि आसपास पानी की भी कहीं भी कोई सुविधा इधर नहीं है। लेकिन आगरा पर्यटन नगरी है, जहां देश दुनिया से सैलानी आते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी पर्यटकों और उन यात्रियों को हो रही है जो ट्रेन या बस से सफर कर रहे हैं। पहले प्रशासन इन यात्रियों के लिए स्टेशनों पर प्याऊ की व्यवस्था करता था, लेकिन वो अब बीते जमाने की बात हो चुकी है। ताजनगरी आगरा में गर्मी सातवें आसमान पर है, आसमान से आग बरस रही है और पारा 47 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में हर कोई या तो गर्मी से बचने का उपाय ढूंढ रहा है या फिर घर से कम ही निकलता है, और जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो शीतल पेय पदार्थ पिए या फिर पानी से अपनी प्यास बुझाएं। लेकिन प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हुए हैं बड़े बड़े बस स्टैंड, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े बाजारों में, वो हम एक रियलिटी चेक में आपको दिखाते हैं। मैं इस समय आगरा की ISBD पर मौजूद हूँ। आप क्या करते हैं?
मैं रोडवेज चालक हूँ भैया। ये बताइए कि इस समय गर्मी का तापमान क्या है, कितनी परेशानी हो रही है भैया? परेशानी ऐसे करते करते पूरा दिन जाता है, ऐसे करते करते इतनी गर्मी हो रखी है। पानी से आप अपने आपको थोड़ा सा तरह ताजा रखने? हाँ, पानी तो मेरे हाथ में अभी भी ठंडा, बोतल मैंने खरीदी हुई है यहाँ से, अभी पी रहा हूँ पानी खरीद के ठंडा। पहले व्यवस्था रहती थी प्रशासन की तरफ से कि प्याऊ व्याऊ मिल जाती थी, क्या आप ही दिखाई देती है आपको? नहीं, मैं तो भैया खरीद के पीता हूँ पानी। प्याऊ की तलाश हमें खींचते हुए ले आई अलीगढ़, जो ताले के लिए मशहूर है, लेकिन गर्मी में जब प्यास सताएगी तो गले में ताला तो नहीं डाला जा सकता, शरीर में पानी रहना तो जरूरी है। मसूदाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर कैसी है लोगों की प्यास और क्या वहां प्याऊ की व्यवस्था है, जाना न्यूज स्टेट संवाददाता ने। हम मौजूद हैं यहाँ अलीगढ़ के रोडवेज मसूदाबाद बस अड्डे पर। यहाँ से आगरा, मथुरा और जो है तमाम ऐसे जगहों के लिए बसें जाती हैं। यहाँ देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, देखिए दिखाएं, यहाँ देखिए पूछताछ केंद्र कार्यालय, ये देखिए यहाँ जो केंद्र के प्रभारी कक्ष का ऑफिस बना हुआ है। और देखिए यहाँ हम देखिए रियल चेक करने के लिए आए, तमाम यहाँ देखिए जो लोग बैठे हुए हैं, तमाम यात्री, उनसे भी हम जानने की कोशिश करें। ये बताइए, यहाँ पानी की व्यवस्था कुछ आपको मिली कहीं है? हाँ, आगे लगा हुआ है। पीछे की तरफ है? हाँ, उधर साइड है। तो बाहर से यात्री आते हैं उनको दिखाई देता है रोड पे? नहीं नहीं, उन्हें दिखता नहीं होगा, अंदर जाके दिखता होगा। इसमें देखिए जो लगाई गई है प्याऊ, ये प्याऊ एकदम बैक साइड में है। यहाँ देखिए जो कहीं शौचालय बना हुआ, पूरा शौचालय, उसके बाहर ये कहीं कहीं देखिए पानी की प्याऊ है। अब यमुना किनारे बसे शहरों को छोड़ हमारी तलाश पहुंच चुकी है गंगा किनारे बसे शहरों की ओर। ये है शहर कानपुर, जो कभी यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता था। यहाँ मजदूरों की अधिकता है, जाहिर है हर मिनट पर लगने वाली प्यास के लिए वो हर बार बोतल नहीं खरीद सकते, और शहर में प्याऊ की कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। कानपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है, गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। दोपहर में जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं वो रुक रुक करके शीतल पेय पदार्थ ढूंढते हैं। वहीं अगर कानपुर में पानी की बात की जाए तो पानी लोगों को खरीद करके पीना उनके लिए जरूरी हो गया है। दरअसल तमाम क्षेत्रों में जो प्याऊ लगाए जाते थे वो प्याऊ अब कहीं दिखाई नहीं पड़ते, जिसकी वजह से निशुल्क पानी मिलना बंद हो गया है। जो हैंडपंप होते थे वो सूख चुके हैं। ऐसे में लोगों के लिए पीने का पानी एक बड़ी समस्या है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कहीं कोई प्याऊ लगाया गया जिसमें पानी निःशुल्क मिलता है? कुछ है ही नहीं यहाँ पे पानी। पहले प्याऊ लगता था? पहले कहाँ भी लगाए, कहीं लगाए नहीं। कहीं पानी की व्यवस्था है, पानी पीने के लिए कहीं मिल जाता है? पानी व्यवस्था यही है, पाइप लगा इधर, वहीं सब लोग पीते पाते। पानी नहीं लगाया गया? लगा ही नहीं। प्यास को बुझाने के लिए न्यूज स्टेट की टीम पहुंची महादेव की नगरी वाराणसी में। यहां घाटों किनारे हमेशा लोगों का जमावड़ा रहता है, कई देशी विदेशी सैलानी भी आते हैं। इस भीषण गर्मी में अगर किसी को प्यास लगे तो क्या करे, क्योंकि न प्याऊ नजर आ रहा है और न ही मटका। वाराणसी में तापमान 46 डिग्री से ऊपर है, मानो ऐसा लग रहा है कि आसमान से अंगारे बरस रहे हों। इन सबों के बीच में लगातार एक बात आती है कि पीने की पानी की व्यवस्था क्या है। अमूमन प्याऊ को लेकर लगातार बात उठती रही है, पर हम वाराणसी के गंगा घाट पर हैं, जहां पर आप किस तरीके से कड़ी धूप है आप देख सकते हैं। पर इस कड़ी धूप के बावजूद भी यहां पर कहीं भी आपको प्याऊ का इंतजाम नहीं दिखाई देगा। कहीं पर भी पीने का ये पानी जो है वो अमूमन नजर नहीं आएगा। हालांकि पहले हम देखा करते थे कि सरकारी व्यवस्थाएं भी होती थी इस भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तबीयत खराब हो रही है वो पानी की कमी के कारण ही शरीर में हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ऐसे में डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अगर लगातार आप बाहर हैं तो अधिक से अधिक पानी पीते रहिए। पर जब वाराणसी के गंगा घाटों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धूप है, और यहाँ पर कहीं पर भी पीने का जो पानी है वो निःशुल्क दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम कोशिशों के बाद हमें पेड़ के नीचे एक मटका तो नजर आया, लेकिन यहाँ भी हमसे पहले दुर्भाग्य पहुँच चुका था। गर्मी में वाराणसी में पारा 46 डिग्री को पार कर रहा है, पर प्याऊ के नाम पर सिर्फ छलावा दिखाई देता है। देखिए, प्याऊ के नाम पर यहाँ पर इस तरीके की जो मटके हैं वो रखे गए हैं, पर ये मटके पूरी तरीके से खाली हैं, ये मटके सूखे हुए हैं। कहीं पर भी प्याऊ जो है निशुल्क दिखाई नहीं देता है। अमूमन गर्मी में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है,
पर जिस तरीके से हम वाराणसी के 80 इलाके में हैं, यहाँ पर भी प्याऊ के नाम पर ये मटका तो रखा गया है पर ये मटका बिल्कुल खाली है। यानी कि अगर गरीब व्यक्ति पानी पीना चाहे तो वो निःशुल्क रूप से इस गर्मी में पानी भी नहीं पी सकता। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। तमाम शहरों में प्याऊ को तलाशते न्यूज स्टेट की टीम पहुंची प्रयागराज, जो दो नदियों गंगा और यमुना से घिरा है। दुनिया तो यही जानती है कि प्रयागराज में इन दो नदियों के कारण पानी की प्रचुरता है, फिर कहीं कोई प्याऊ क्यों नहीं दिखता। शहर का सबसे पॉश एरिया सिविल लाइन्स, जहां इंसान प्यासा ही रह जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज शहर के सुभाष चौराहे पर, यानी सिविल लाइन्स में। ये वो सिविल लाइन्स है जहां पर कुछ समय पहले तक सरकारी प्याऊ की व्यवस्था होती थी, और इस चौराहे के चारों तरफ आपको पीने के लिए पानी, साथ में गुड़ और बताशा भी मिल जाता था। लेकिन दौर बदला है, अब यहां पर कोई सरकारी व्यवस्था किसी प्याऊ की नहीं की गई। हालांकि एक संस्था की तरफ से यहां पर ये घड़े रखे हुए हैं, प्याऊ बनाया गया है, लेकिन जब हम इन घड़ों में झांक कर देखते हैं तो ये घड़े जो है इनके अंदर आप देखेंगे तो पानी नहीं है। दोनों घड़े जो है वो पूरी तरह से कह सकते हैं खाली हैं। पूरे शहर में आप वॉच कर लीजिए, कहीं पर भी किसी ने भी एक भी प्याऊ नहीं लगवा रखा है। कहीं ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है, और न ही कहीं किसी को गुड़ मिलेगा, न बताशा मिलेगा, न पानी मिलेगा। लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। प्रयागराज का रेलवे स्टेशन, जहां रोजाना हजारों यात्री चढ़ते उतरते हैं, रिक्शा चालकों ऑटो वालों की भीड़ हमेशा बनी रहती है, लेकिन पानी की बात यहां बेमानी है। ऐसा लगता है कि यहां प्यास पर पाबंदी है। पीना है तो स्टेशन के अंदर जाइए, वरना पानी को भूल जाइए। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, और यहां पर जहां तक हमारी नजर जा रही है कोई सरकारी प्याऊ यहां पर दिखाई नहीं देता। और जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने भी बताया कि आपको अगर पानी पीना है तो आपको रेलवे स्टेशन के अंदर जाना होगा, वहां पर रेलवे की व्यवस्था है पानी पीने की, लेकिन उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा। और स्टेशन के बाहर जहां दिन भर में हजारों की संख्या में मुसाफिर यहां पर आते हैं, आप ये बताएं कि यहां पर कहीं पर प्याऊ वगैरह की व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था है? नहीं भैया, यहां कहीं पानी नहीं, प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। केवल मंदिर में ही नल लगा हो, वहीं से लोग पानी पीते हैं। बाहर के जो लोग आते जाते हैं वो लोग कैसे रहते हैं? बस वो हम लोग तो है बता देते हैं, जो भैया मंदिर में भर लो प्याऊ। लोग ऑटो वाले? हाँ, हम लोग ऑटो वाले। क्या कहते हैं लोगों से कि प्यास लगी तो पूछते पानी कहाँ, तो बताते हैं कि मंदिर में जाके नल लगा भैया, बल्लो और क्या। प्रयागराज आए ही हैं तो रोडवेज बस अड्डे का नजारा भी देख लीजिए। यहाँ भी प्याऊ का कोई इंतजाम नहीं है। बस अड्डे के पीछे जाकर पानी मिलता है, वो भी किसी संस्था की ओर से उपलब्ध कराया गया है। हम इस वक्त प्रयागराज के सिविल लाइन्स के बस अड्डे पर मौजूद हैं, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस बस अड्डे पर कहीं भी आपको प्याऊ जैसी कोई चीज नजर नहीं आएगी। अगर परिसर की बात करें तो काफी बड़ा परिसर है, और बस अड्डा जो है यहाँ पर दिन भर में सैकड़ों की संख्या में बसें आती जाती हैं, और उसी हिसाब से मुसाफिरों और जो जो यात्रियों को ले जाने ले आने वाले जो ऑटो और तमाम सवारियां, उनकी भी संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह से अब प्याऊ जैसी कोई व्यवस्था नहीं। हालांकि बस अड्डे की जो अंदर की बिल्डिंग है आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो बस अड्डे की तरफ से यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, बाकायदा मशीन लगा करके यहाँ पर ये पानी मिलता है लोगों को। तो लोगों को बस अड्डे के अंदर तो पानी पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है, और ये जो पानी की व्यवस्था की गई है ये भी किसी निजी एजेंसी की तरफ से की गई है, अभी सरकारी व्यवस्था नहीं है। तो देखा आपने, हम प्याऊ की तलाश में यमुना और गंगा किनारे बसे शहरों में भटकते रहे, इस आस में कि कहीं तो प्याऊ दिख जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आमतौर पर नगर निगमों की होती है। शायद प्रशासन रहीम की बातों को भूल सा गया है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानुष चून। टीम न्यूज स्टेट। और यूपी में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। आसमान से बरस रही गर्मी और तपिश भरी हवाओं ने जनजीवन को संकट में डाल दिया है। यूपी के कई जिले हीटवेव की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने कई शहरों में तेज गर्मी और हीटवेव का अलर्ट जारी किया है।
उत्तर प्रदेश में इस वक्त गर्मी से हर कोई परेशान है। इंसान हो या जानवर, हर कोई गर्मी से बेहाल है। जब से जून शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश में सुबह से ही आसमान से आग बरस रही है। सूरज मानो धधक रहा है। पहले बात सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने की थी, लेकिन अब लोगों की जान पर बनाई है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा पीड़ित है, जहां गर्मी लोगों पर कहर बनकर टूट रही है और अब इससे लोगों की जान भी जा रही है। हालत यह है कि लोग दिन के वक्त बाहर निकलने से भी गुरेज रहे हैं और जब कोई जरूरी काम होता है तभी लोग बाहर निकलते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। बढ़ती गर्मी के चलते उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पारा 47 के करीब या उसके पार पहुंच गया है। प्रयागराज 47.6, झांसी 47.1, कानपुर 46.8, वाराणसी 46.8, आगरा 46.5, सुल्तानपुर 46.4, फतेहपुर 46.2, हमीरपुर 46.2, जालौन 45.8, लखनऊ 45.6, बहराइच 45 डिग्री। प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज और झांसी में भी प्रचंड गर्मी से लोग पस्त हैं। यहां दिन में पारा 47 के पार चला गया था, साथ ही दिन में भीषण गर्मी से जूझते हुए लोग बाजार में नहीं निकल रहे हैं। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और बाजार सूने पड़े हैं। जिन्हें बहुत जरूरी काम है केवल वो ही सड़कों पर दिख रहे हैं। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं। गर्मी के समय घर से बाहर न जाएं, शरीर को ढककर ही बाहर निकलें, पानी की बोतल अवश्य साथ रखें, फिल्टर या उबाल कर ही पानी पिएं, लस्सी नारियल खीरा या तरबूज का सेवन करें, गोलगप्पे चाट पापड़ी और आइसक्रीम से परहेज करें, खूब पानी पिएं और जल्दी जल्दी पानी पिएं, सूती और हल्के वस्त्र पहनें, हल्के ठंडे पानी से रोज नहाएं, एक साथ ज्यादा भोजन न करें। ऑफिस में मौजूद है, यहाँ पर जो प्याऊ लगाया गया था वो प्याऊ तो हालांकि खराब पड़ा हुआ है पिछले काफी दिनों से, लेकिन अब यहाँ पर कुछ मटके और जो मयूर जग है पानी के वो यहाँ पर रख दिए गए हैं, ताकि आरटीओ ऑफिस में आने वाले जो लोग हैं वो गर्मी से बचने के लिए टीन सेट के नीचे खड़े हो सकें और अपनी प्यास बुझाने के लिए इन मटकों में यहाँ पर पानी पी सकें। इस तरीके की वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। सुबह से ही तेज धूप होने लगी। 10 बजे के बाद लू चलने से धूप में निकलना मुश्किल हो गया। लू चलने से दोपहर पे मौसम शुष्क हो गया, मुंह सूखने लगा। ज्यादा देर तक धूप में खड़े होने पर चक्कर आने लगे, बेचैनी और घबराहट होने लगी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू चलने की चेतावनी तक जारी कर दी है। मौसम शुष्क बना रहेगा, इससे लोगों को परेशानी भी हो सकती है। पसीना ज्यादा निकलने से शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। सर, गर्मी का आलम तो बहुत ज्यादा है और इंसान सुबह का निकलता है, कब घर वापस जाता है कुछ नहीं पता रहता, और गर्मी इतनी है कि आसपास पानी की भी कहीं भी कोई सुविधा इधर नहीं है। भी लगी रहती थी, समाज सेवाओं द्वारा भी कुछ ना कुछ इंतजाम रहते थे। इस बार तो दूर दूर तक मुझे कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। खुद दुकान से पैसों से बॉटल हमें खरीदनी पड़ती है या घर से लेकर आना पड़ता है। घर से भी हम कितना लेकर चलेंगे साथ में। तेज गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी का ये आलम है कि बस पसीने ही पसीने छूट रहे हैं इस टाइम पे। बहुत बुरी हालत है। मौसम विभाग ने यूपी में हीट वेव को लेकर कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। जिन जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है उसमें आगरा, अलीगढ़, इटावा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, मथुरा, हाथरस, हमीरपुर, महोबा, श्रावस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे जिले शामिल हैं। बढ़ती गर्मी के चलते गाजियाबाद में पुरानी बस स्टैंड का भी नजारा बदला हुआ है। अमूमन आम दिनों में जहां पुराने बस स्टैंड पर भीड़भाड़ हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त बस अड्डा पूरी तरह से खाली नजर आया। अभी पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को इसी तरह दो चार और होना पड़ेगा। इस वक्त हम गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड पर मौजूद हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं पुराने बस स्टैंड की। अमूमन इस समय जहां यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन गर्मी की वजह से कहा जा सकता है कि अब जो यात्रियों की संख्या है उसमें भी गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि बस के अंदर ट्रेवल करने में गर्मी बहुत ज्यादा है। यहाँ एक बुजुर्ग है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, गर्मी कितनी पड़ रही है? गर्मी बहुत पड़ रही है, निकलना घर से मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, गर्मी बहुत बेतौल पड़ रही है, परेशान हो रहे हैं गर्मी की वजह से। मन करता है घर से निकलने का? बिल्कुल नहीं मन करता, जो मजबूरी में निकलना पड़ता है घर से। अलीगढ़ में जहां एक और भीषण गर्मी अपना सितम ढहा रही है, तो वहीं भीषण गर्मी से इंसान के साथ साथ जानवरों का भी बुरा हाल है।